ओम शांति। और आपको नमस्कार। आज शाम का ईश्वर वरदान में आज आपको परमपिता परमात्मा कहते क्या हैं, 312वें दिन के ईश्वर वरदान में इसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे विस्तार में, इसको लेके चलते हैं आगे। बाबा कहते हैं, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भवा। तो व्यर्थ संकल्प कब आते हैं? जब हमारा जो मन बुद्धि है वो व्यर्थ चीज़ों में चले जाता है, क्योंकि हम उसको बिजी नहीं रखते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया हुआ है, विद्या दी हुई है, और साथ ही साथ सिखाया है कि किस तरीके से हम कौन कौन से तरीके अपनाएं ताकि मन और बुद्धि हमारा एकाग्र हो जाए। तो आज उसको हम एक्सप्लोर करेंगे इस वरदान में। तो बाबा कहते हैं, संपूर्ण कर्मातीत बनने में, कर्म अतीत का मतलब है कि आप जब कर्म कर रहे हों तो आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी वैर संकल्प, वैर या कोई भी प्रकार का अपवित्र संकल्प ना चल रहा हो, तब जाके वो कर्म सफल होता है। अगर डर है या लोभ है तो भी वो कर्म आपका सफल नहीं हो पाता। तो कर्मातीत वो अवस्था है जिसमें कि हमारा मन बुद्धि बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो। वहाँ तक पहुँचने के लिए परमात्मा हमें विधि बताते हैं। संपूर्ण कर्मातीत बनने में वैर संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अब समय की बुकिंग क्या है? सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है? तो परमात्मा ने बताया कि हमें विधि बताई हुई है कि कहाँ कहाँ हमें मन को बिजी रख सकते हैं। दिन भर में हमें काम तो करना है, घर के बारे में सोचना है, चाहे धन के बारे में सोचना है, लेकिन उसमें भी परमात्मा को साथ में रखते हुए कैसे करें वो परमात्मा सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है ये प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को चार बातों में बिजी कर दो। पहला, मिलन, ब्रैकेट में रूहानी, मतलब कि जैसे कि हम परमपिता परमात्मा से मेडिटेशन में हम उनसे बातें करते, अपने मन की दिल की बातें बताते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जो हमें चीज़ें सिखाई हुई हैं, विद्या जो दी हुई है जिसको हम विवेक कहेंगे, उसको हम मन में याद करते हैं ताकि हमसे कोई भूले ना हो। तो कर्मातीत मतलब कि कोई विकर्म ना हो जाए हमारे साथ में, या कोई हम गलत सोच करते हुए कर्म ना कर दें। तो उसके लिए रूहानी, परमात्मा से बात करते 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 हम बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, घर के काम भी कर सकते हैं, वो एक हो गया। वर्णन मतलब सर्विस, औरों को भी बताना ज्ञान के बारे में। या तो हम फालतू बातें कर सकते हैं, या तो हम इधर उधर की बातें कर सकते हैं, या दुनियावी बातें कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम परमात्मा की दी हुई बातें औरों को बता सकते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि में व्यर्थ नहीं घुसता है। तीसरा, मगन, मगन किस चीज़ में रहना है? हमें मन को परमात्मा की याद में मगन करना है कि हमें परमात्मा ने जो दिया हुआ है ज्ञान, विद्या दी है जो कि कोई मनुष्य दे नहीं सकता, मुक्ति की, जीवन मुक्ति की, व्यर्थ संकल्पों से ही नहीं लेकिन विकर्मों से, पाप कर्मों से मुक्ति जो पाने के लिए दी, उसमें मगन रहना। और चौथा है लगन, कि हमारी लगन सदा रही लगी रहे परमात्मा के कार्य में, परमात्मा की सोच में, उनके दिए हुए ज्ञान में। अगर ये लगन लगी रही और कोई अगर हमें इससे अलग नहीं कर पाया, तो जाकर के वैर संकल्प हम उनको दूर कर पाएंगे और जीत पाएंगे। तो परमात्मा ये चार चीज़ें चाहते हैं, मिलन, वर्णन, मगन और लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। व्यर्थ थॉट्स कब आते हैं हमारे अंदर? जब हमारे अंदर समय होता है इधर उधर की बातें सुनने का, सोचने का, औरों के बारे में सोचने का, अपनी चिंताओं के बारे में सोचने का। परमात्मा कहते हैं, जितना हम अपनी चिंताओं के बारे में सोचते हैं उतनी वो चिंताएं बढ़ती हैं। मतलब जिस चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं वो चीज़ और बढ़ती है, जिसको हम ज़्यादा ऊर्जा देते हैं वो चीज़ और बढ़ती है। लेकिन हम उन चीज़ों से किनारा कर लें अपने आप को, कहा भी जाता है ना, कोई चीज़ अगर आपकी गुम गई हो घर में, थोड़ी देर के लिए छटपटाने की जगह, इधर उधर भागने की जगह, साइलेंस में बैठ जाओ, कहीं और बुद्धि लगाओ, किसी और चीज़ में बिजी हो जाओ, और थोड़े समय के अंदर या कुछ समय के अंदर वो चीज़ याद आ जाएगी आपको, क्लिक हो जाता है, इसे हम कहते हैं। तो परमात्मा भी कहते हैं, इसी तरीके से अपने जीवन की जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, आदतें हैं, उनको अगर हटाना चाहते हो, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ दिखना, तो उसके लिए चार चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। अपनी बुद्धि को मेरे में लगाओ ताकि जो तुम्हारी जीवन की प्रॉब्लम्स हैं उसके तुम्हें उत्तर फटाफट मिले और तुम व्यर्थ से बचो।
तो ये चीज़ करनी क्या है, करते कैसे इस मेडिटेशन को, इसके लिए आपको ब्रह्मा कुमारीज गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जा करके सीखना पड़ेगा या अध्ययन करना पड़ेगा, और उसी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए ईश्वर वरदान, आपको शुभ रात्रि, गुड नाइट।